एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सभा में उमरा लोगों का जनसैलाब। बहादुरगंज में एमआईएम उम्मीदवार अंजार नेमी और कोचाधामन में इजहार आसफी के लिए मांगे वोट। बिहार चुनाव प्रचार में मशहूर शायर सुफियान प्रताप गिरी कोचाधामन में एमआईएम उम्मीदवार के लिए किया चुनाव प्रचार। अमोर विधानसभा में एमआईएम के उम्मीदवार का चुनाव प्रचार बाइक पर दिखे बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान। ठाकुरगंज विधानसभा में एमआईएम की महिला अध्यक्ष पम्मी बेगम का जोरदार भाषण, मजलिस के उम्मीदवार महबूब के लिए मांगे वोट। किशनगंज विधानसभा में एमआईएम के विधायक कमरुल हुदा इस वक्त मजबूत, एमआईएम का मुकाबला सीधे बीजेपी से। बढ़ेंगे हम अगले खबर की ओर, जहां पर एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेलीकॉप्टर में चुनाव प्रचार में व्यस्त है, तो वहीं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान इस वक्त बाइक में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खास आपको हम बताएंगे कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान खुद चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्णिया जिले के अमोर विधानसभा से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बताते चले कि अमोर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस का गढ़ में इस बार मजलिस का एंट्री है और मजलिस के जो एमआईएम के सदर है अख्तरुल ईमान साहब वहां से चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। आज की पहली बड़ी खबर आपको हम बता दें कि इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त सीमांचल के सभी विधानसभा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खास आपको हम दिखाएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज विधानसभा से एमआईएम के उम्मीदवार अंजार नेमी के सभा को संबोधित करने के बाद कोचाधामन विधानसभा में इजहार आसफी के सभा को संबोधित किया। कोचाधामन विधानसभा में एमआईएम के सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं आपसे यही गुजारिश करने आया हूं कि 7 तारीख के दिन आप अपना एक कदम छाप और बटन दबाकर अपनी जमात को, अपने इतिहास को कामयाब करिए। किशनगंज की विधानसभा में 10 महीने पहले इलेक्शन हुआ था और 10 महीने पहले किशनगंज की जनता ने कमरुल हुदा को कामयाब किया, जो कल तक हवा हम पर उंगली उठाते थे कि हम मजलिस इलेक्शन जीत सकती है क्या, तो हम इलेक्शन जीते और 10 महीने के अंदर कमरुल हुदा साहब ने किशनगंज में 5 करोड़ के काम करवा दिए। अभी 7 करोड़ के काम चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोचाधामन से आप हमारे उम्मीदवार को कामयाब करिए। इंशाल्लाह ताला जो काम नहीं हुए, जिस काम की जरूरत है और सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई है। हमने 5 साल पहले सीमांचल से अपने सियासी सफर का आगाज किया और हम उस वक्त तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक सीमांचल की सरजमीन से इंसाफ नहीं होगा और हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक के सीमांचल में तमाम चीजें नहीं मिलेंगी जो पटना और दरभंगा अपराध के इलाकों में मिल सकती है। यहाँ पर भी इंशाल्लाह ताला कोचाधामन में एक रेलवे स्टेशन का ख्याल में लाया जाएगा। हम नए साथ ही साथ आप जानते हैं कि 5 साल पहले हमको धोखा देकर वोट दिया गया था, ओवैसी को कठुआ कहा गया, गठबंधन के नाम पर कोचाधामन की जनता को धोखा देकर आपको वोट दिया गया और आप नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बोर्ड में बैठकर नरेंद्र मोदी चाय पी रहे हैं, नीतीश कुमार दूध पी रहा है। इसका जिम्मेदार आरजेडी है, इसका जिम्मेदार कांग्रेस भी है। अब ये गठबंधन के नाम पर फिर आएंगे, दोबारा आप इनके धोखे का और इनकी झूठ का शिकार मत होइए। हम आपको बता रहे कि अब की बार नीतीश कुमार घर में बैठने वाले हैं। जेडीयू वालों, तुम्हारा किस्सा खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। नीतीश कुमार की जिंदगी का आखिरी इलेक्शन है। अब बिहार में इंशाअल्लाह ताला जो अलायंस हमने बनाया है, जिसमें कुशवाहा साहब को हमने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बिहार की जनता, कोचाधामन की जनता अपनी मोहब्बत और अपने वोट और दुआओं से जब नवाजेगी तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला कुशवाहा साहब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और कोचाधामन में यहाँ पर जो हम काम नहीं है करवाना है। बिहार विधानसभा चुनाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में
तीसरे मोर्चे की सरकार बनने जा रही है और तीसरे मोर्चे की सरकार बना, लेकिन ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस वक्त बिहार के चुनाव प्रचार में है। और ख़ासतौर पर आपको हम बता रहे हैं कि बिहार में अभी सीमांचल में डटे हुए हैं और सीमांचल में कई दिनों से सभाएं कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सीमांचल में कौन कौन से विधानसभा ऐसे हैं जहाँ पर मजलिस के उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि किशनगंज विधानसभा है जहाँ पर MIM के विधायक पहले 2019 विधानसभा उपचुनाव पर यहाँ पर कांग्रेस के गढ़ को हराकर वहां पर जीता था और दूसरे स्थान में बीजेपी के उम्मीदवार आए थे। इस बार भी वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत झोंक दी है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पहला सभा किशनगंज में भी हुआ है और वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के काफी लोग गोलबंद दिखाई दे रहे हैं। इस बार ऐसा लग रहा है किशनगंज की सीट MIM की झोली में आ सकता है। तो दूसरी आपको हम कोचाधामन विधानसभा भी इस बार सुर्खियों में है और यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अलहाजी जारास्पी को अपना उम्मीदवार बनाया है। खास बताते चलें कि यहाँ पर अभी तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दो सभा हो चुका है, एक कन्हैया जनतावाड़ी हाट में हुआ है तो दूसरी नरकली में सभा हुआ है। अब तक और सभा चुनाव प्रचार होना बाकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर RJD, JDU और MIM त्रिकोणीय मुकाबला है और साथ ही साथ बता दें कि पिछले दफ़ा यहां पर दूसरे स्थान MIM का आया था, इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि इस बार भी JDU और MIM का आमने सामने का टक्कर कोचाधामन विधानसभा में है। तो आपको हम बताते चलें कि बहादुरगंज विधानसभा में इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अंजार नईमी को अपना उम्मीदवार बनाया है और वहाँ पर चुनाव प्रचार किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद वहाँ पर लोगों को संबोधित किए और सभा को संबोधित करने के बाद वहाँ पर अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। आपको बताते चलें कि वहाँ पर लंबे अरसे से कांग्रेस के विधायक तौसीफ आलम है, सीमांचल में छाए हुए हैं, पतंग छाप देकर बटन दबाना है, पतंग छाप देकर बटन दबाना है, अपनी मान को मन बनाना है, छोड़ गए न हम तेरा साथ अवैसी मरते दम तक, पतंग छाप दे समझ कर बटन दबाओ, पतंग छाप देके बटन दबाना, अपनी मान को MLA बनाना, अपनी मान को MLA बनाना, अमर में संभालो दिल को संभालो, सोच समझ कर मतान करे हो, हैदराबाद से आने से आए हुए पूरे सीमांचल में छाए हुए पूरे सीमांचल में छाए हुए पतंग छाप देकर
और ईमान को एमएलए बनाना, और ईमान को एमएलए बनाना। मैं आपके बीच एक साधारण शहरी हूँ और एक छोटा सा शहर सुनिए। सोच समझ कर बटम दबाना, सोच समझ कर बटम दबाना, भंगा एमएलए बनाना तुम्हें क्या हो गया है, क्या हो गया है। सोच समझ कर बटम दबाना, भंगा एमएलए बनाना तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। पतंग छाप देखे पतंग छाप देखे भैया, बटम दबाया मेरे भाई हो। पतंग छाप पर बटम दबाकर अकुरी मन को मैंने बनाना तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। सोच समझ कर बटम दबाना, धंधा मन बनाना तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया है। हैदराबाद से आवाज़े आए मैं सिमाचल में, पतंग छाप पर पतंग दबाकर भंगा मन बनाना तुम्हें क्या हो गया।